मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता जैन। आज मुद्दा है बंद हुआ नोट, लेकिन हम बात करेंगे नोट बंद होने से किसको लगी चोट। साल 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो उसे काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया गया था। अब काले धन पर एयर स्ट्राइक हुई है। एयर स्ट्राइक इसलिए कि इस बार इसकी चपेट में आम आदमी नहीं बल्कि वो लोग आने वाले हैं जो हवाई सफर करने में सक्षम हैं। ये एयर स्ट्राइक आरबीआई ने की है, जिसने 2000 रुपए के नोट को मार्केट से वापस लेने की घोषणा कर दी है। आरबीआई का कहना है कि नोटबंदी नहीं बल्कि नोट वापसी है और इस नोट वापसी की शुरुआत 23 मई से होने वाली है जो सितंबर तक चलेगी। 2000 रुपए का नोट साल 2016 में प्रचलन में आया था जब सरकार ने नए नोट जारी किए थे। 2019 की शुरुआत में सरकार ने इस नोट को छापना बंद कर दिया और अब आरबीआई ने नोट वापसी की घोषणा कर दी है। इस घटना को मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने तुगलकी फरमान बताया है, तो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू का कहना है कि कांग्रेस कालाबाजारियों के साथ है इसलिए उसे तकलीफ हो रही है। क्या नोट वापसी 5 राज्यों की विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए लागू की गई है और इससे काला धन किस तरह काबू में आ सकेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 का नोट वापस लेने का फैसला किया है। इस नोट की छपाई तो 2018-19 में ही बंद हो गई थी। अब इसे धीरे धीरे प्रचलन से बाहर करते हुए पूरी तरह बंद करने की तैयारी है। ये नोट 2016 में नोटबंदी के बाद अस्तित्व में आया था। अगले 2.5 वर्ष में 2000 के 370 करोड़ नोट छापे गए। बाजार में इनकी वैल्यू 7,40,000 करोड़ थी। इनमें से 105 करोड़ नोट आरबीआई नष्ट कर चुका है। अभी सर्कुलेशन में 265 करोड़ नोट है। 4.28 लाख करोड़ वैल्यू के नोट पिछले एक साल तक चलन में थे, लेकिन 54 करोड़ नोट गायब है। 54 करोड़ नोटों की वैल्यू करीब 1.8 लाख रुपए है। सरकार का ये मानना है कि ये ब्लैक मनी है जो दबा लिया गया है। इस पैसे का आतंकवादी दुरुपयोग कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, इससे चुनावों को प्रभावित किया जा सकता है। खास बात ये है कि 2000 के नोटों की नकल करके नकली नोट भी बनने लगे हैं, इसलिए 2000 का नोट बंद करने से नकली नोट पर भी प्रतिबंध लगेगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया है। भारतीय रिजर्व बैंक एक ऑटोनॉमस बॉडी है और उसने जो फैसला किया है वो लीगल टेंडर बने रहेंगे 2000 रुपए के नोट, और उसका पर्याप्त समय दिया है बदलाने का। बैंक में जमा करा सकते हैं, बदलने के 20,000 रुपए तक का नोट बदला सकते हैं, और पिछले 3-4 सालों से इन नोटों का प्रिंटिंग भी बंद कर दिया गया है। इसलिए ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं जिस पर कांग्रेस से लपों बचाए, क्योंकि कांग्रेस हमेशा काला बाजारियों, काला धन और ब्लैक मार्केटियों का पक्षधर रही है, और जब सीबीआई की रेड होती है, ईडी की रेड होती है, तब शोर मचाते हैं। तब 2000 के नोटों के बारे में कोई फैसला आरबीआई करती है, उस पर शोर मचाते हैं। इसमें कोई छोटा व्यक्ति, कोई मध्यम वर्गी इसकी जद में नहीं आता, और पर्याप्त समय सरकार ने दिया है, इसलिए ये फैसला आम जनता के हित में है, देश के हित में है, और इससे ये काला धन लाने के लिए एक और प्रयास है सरकार का। उधर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस फैसले को एक तुगलकी फरमान बताया है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मोहम्मद बिन तुगलक जैसे निर्णय ले रहे हैं, जैसा कि उन्होंने राजधानी दौलताबाद ले गए, दौलताबाद पर वापस आए, जनता को परेशान किया, उसी प्रकार के प्रयोग मोदी जी कर रहे हैं। पहले उन्होंने पूरे देश में 2000 के नोट चालू किए और अब फिर प्रतिबंध लगाने का काम कर रहे हैं। पहले लाइनों में लगे लगे नोट बदलने के लिए तमाम लोगों की मौत हो गई, उसी तरह परेशानी करके अब दोबारा जिन्हें 2000 के नोट जिनके पास है उनको परेशान करके एक दिन में केवल 10 नोट एक बैंक में रहेंगे, ताकि तमाम लोग जो बेचारे काली कमाई के किसान मजदूर जो इनकम टैक्स नहीं देते उनको कंगाल करने की योजना है। अगले कुछ माह में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इसके बाद अगले वर्ष मई में लोकसभा चुनाव।
पिछली नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव थे। चुनावों में काले धन का भरपूर दुरुपयोग होता है। 2016 की नोटबंदी के समय काले धन की भले ही बड़ी भारी बरामदगी नहीं हुई हो, लेकिन चुनाव में काले धन के दुरुपयोग पर अंकुश लगा था। इस बार 2000 रुपए का नोट वापस लेकर आरबीआई ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो नोटबंदी को 6 साल पूरे हो चुके हैं। 8 नवंबर 2016 को 8 बजे ठीक पीएम मोदी ने घोषणा की थी 500 रुपए 1000 रुपए के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे, बैन हो गए हैं। और उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी, वाकई कहीं ना कहीं इसे लेकर विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए। और हालांकि सरकार ने ये कहा था कि इसे एक सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर देखा जाए, काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, टेरर फंडिंग खत्म होगी, आतंकवाद पर लगाम होगी, तो तमाम तरह के वादे जो हैं वो सरकार की ओर से किए गए थे। लेकिन अब मुद्दा ये है कि अब जिस तरह से नोट बंद करने का ऐलान आरबीआई ने किया है, हालांकि नोटबंदी नहीं है, नोट बदलने की बात कही गई है, और अब इसे लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो उसे काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया गया था, और अब काले धन पर एयर स्ट्राइक इसे बताया जा रहा है, और अब इसे लेकर जो विपक्ष है लगातार सरकार पर हमलावर है। हालांकि 2016 में जो तस्वीर सामने आई थी, और सरकार लगातार ये कह रही है, आरबीआई लगातार ये कह रहा है कि नोटबंदी नहीं है, ये सिर्फ नोट बदली है, और ऐसे में जो आम जनता है उसे किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वक्त दिया गया है, जो नोट है वो चलन में रहेंगे। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, धर्मेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता शंकरलाल तिवारी जी, बीजेपी नेता, और इसके साथ ही एडवोकेट अनुराग बिसारिया जी, अर्थशास्त्री। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। जी सबसे पहले मैं एडवोकेट अनुराग जी के पास आना चाहूंगी, जो अर्थशास्त्री भी हैं। अनुराग जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से नोटबंदी लगातार विपक्ष ये कह रहा है नोटबंदी, हालांकि आरबीआई साफ कर चुका है कि नोटबंदी नहीं है, नोट बदली है ये, और आम जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो बैंक है उन्हें तरह तरह के जो नियम है वो दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं आरबीआई की ओर से, कि किसी भी तरह की जो परेशानी है वो जनता को ना उठाने पड़े। उसके बावजूद भी लगातार विपक्ष यही आरोप लगा रही है। हालांकि अगर हम बात करें नोटबंदी की, तो नोट बदली की, ऐसे में आम जनता पर इसका क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? नमस्कार अमिता जी। जी हाँ, मेरे विचार से ये महत्वपूर्ण है कि इसको आम जनता के ही परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, कि जो राजनीतिक बातें हैं वो तो मेरे साथी पैनलिस्ट उस पर प्रकाश डालेंगे जी। लेकिन अगर हम 2000 नोटों का प्रचलन देखें, और आपने कुछ आंकड़े इसके पहले शेयर किए थे कि जो अभी जितने करेंसी नोट हैं उसका तकरीबन 11% ही ये बाय वैल्यू दर्शाता है। तो अपने अनुभव से भी हम जानते हैं कि अगर आप ATM से जब पैसे निकालते थे तो 2000 के नोट तो शायद ही कभी मिले हों किसी को, और अगर आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो 2000 का नोट आप ही देते थे, आपको एक्सचेंज में प्राप्त होने की तो संभावना नहीं थी। तो अगर देने के विनिमय के देखें, अगर इसको मींस ऑफ ट्रांजैक्शन के रूप में देखें, तो 2000 रुपए के नोट का कंट्रीब्यूशन बहुत ही नगण्य सही था। हाँ, अगर हम करेंसी का दूसरा उपयोग देखें, जिसको कहते हैं स्टोरेज ऑफ वैल्यू की तरह करेंसी यूज होती थी, तो उसमें जरूर ऐसे बातें सुनने में आती हैं कि भाई लोग संग्रह कर रहे हैं, और बजाय पैसे को बैंकों में रखने के या एसेट के रूप में रखने के, नोट के रूप में भी रख रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं। अब वो फॉर्मल इकोनॉमी है, इनफॉर्मल इकोनॉमी है, ब्लैक इकोनॉमी है, वो एक अलग प्रश्न है। तो जहां तक आम जनता का प्रश्न है, जहां तक कि करेंसी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम मान के चलते हैं, तो इसका इतना डिस्टेबलाइजिंग या बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट होने की संभावना नहीं लगती। जी अनुराग जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इसकी संभावना नहीं लगती है, और कहीं ना कहीं ये सही भी है, ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है, 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि 50 करोड़ लोग ऐसे नहीं हो सकते कि जिनके पास 2000 के नोट हो? अगर इसको एक हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की तरह देखें तो बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं, आधी जनसंख्या के पास 2000 के नोट हो या ना हो, मतलब ये एक मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है,
कि क्या वो सबके बारे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या इसका जो हम जिसको स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं सांख्यिकी में डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो नोट कहाँ है, कौन प्रयोग कर रहा है, वो एक हाइपोथेटिकल रहेगा। लेकिन अगर किसी के पास भी है तो पिछली बार चूंकि क्या है कि 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उसका एक ओवरहैंग है, उसका सबके मनोमस्तिष्क पे उसकी छाया भी है, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई चूंकि वो लीगल टेंडर के रूप में अचानक समाप्त हो गया था, अभी इसको लीगल टेंडर के रूप में समाप्त नहीं किया गया है, तो अगर किसी के पास है तो उसका उपयोग कर सकता है जी। और अगर किसी को बैंक में जाके बदलने हैं वो बदल सकता है, और उसकी भी एक सीमा है 20,000 रुपए की, और अगर जाके बैंक में जमा करना चाहता है तो जमा भी कर दे सकता है, उस पर भी कोई दैनिक सीमा नहीं है, आपको जाके अपने अकाउंट में जमा ही करना होगा। और लोग अकाउंटधारी लोगों की संख्या बढ़ी है तो ये मान के चलना पड़ेगा कि जिसके पास 2000 के नोट हैं काफी पर्याप्त मात्रा में, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसके पास एक बैंक अकाउंट भी होगा और उस बैंक अकाउंट में वो पैसा जमा कर सकता है जी। अगर नोट बैंक एक विनिमय भी नहीं करना चाहते हैं 20,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, जमा भी नहीं करना चाहते हैं अकाउंट में, तो जरूर कुछ समस्याएं उस तरह के लोगों के लिए हो सकती हैं, लेकिन वो ओवरऑल हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा अंश नहीं होगा जी। चलिए शंकरलाल जी के पास आती हूँ। शंकरलाल जी, जिस तरह से लगातार विपक्षी आरोप लगा रहा है कि पहले भी 6 साल पहले भी यही कहा गया था कि काला धन वापस लाया जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, इससे टेरर फंडिंग खत्म होगी, लेकिन वो सब नहीं हुआ और 6 साल पुरानी जो गलती है अब वो कहीं ना कहीं एहसास हुई सरकार को। मैं आदरणीय अनुराग जी को पहले धन्यवाद करूंगा, उन्होंने हम सब लोगों को, आपके दर्शकों को भी जी, नोटबंदी के नाम पे जो शिगुफेबाजी हो रही है देश में, इसको स्पष्ट करने का काम किया है, आपने भी किया है। तो जब नोटबंदी है नहीं तो नोटबंदी इसको बार बार विपक्ष या कोई भी अन्य तत्व क्यों कहना चाहते हैं, जब ये बात भी साफ आई है कि इन नोटों का छपना आज 4 साल पहले से चरणबद्ध तरीके से कम किया गया। ये भी बात आई है कि लगभग 150 या 172 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक के अनुसार और मार्केट में है, बाकी तो नोट उनने ब्लॉक किए, छापने बंद किए धीरे धीरे। अब इन परिस्थितियों में कल मैं सुन रहा था एक अर्थशास्त्री की बात, हर बात में हम ही विद्वान हैं और कांग्रेस के मित्र या अन्य विपक्षी दल, ये भी सोचना देश के बड़े मामलों, जब रिजर्व बैंक जैसा कोई संगठन कोई एक्शन कर रहा हो, कोई काम कर रहा हो, तो ये न्याय नहीं है देश के साथ, न जनता के साथ, न राजनीति के साथ। कल मुझे सुनने को मिला है चैनल में, केंद्र के किसी चैनल में, कि मुश्किल से 1% भी नहीं, 0.1% 2% लोगों को देश की आबादी में, जो अभी आदरणीय अनुराग जी ने भी कहा कि प्रभावित करेगा जी। और ये प्रभावित किसको करेगा, ड्रग माफिया को करेगा, नकली नोट जो बाजार में बड़ी करेंसी के नाम में ला करके बॉर्डर से, अपन बार बार मीडिया में सुनते हैं पढ़ते हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर इस मामले में अन्य अगल बगल के लोगों का भी उपयोग करके हमारे यहाँ नकली नोटों को एंट्री करा रहा। अभी पिछले दिन मुंबई में और एक विषय आया कि वहां नकली नोटों का मामला पकड़ा गया, जो बाद में जांच के दौरान दाऊद इब्राहिम से जुड़ा पाया गया। जग माफिया करेगा, जिनके पास अकूत काला धन है वो करेंगे, पर आम आदमी को तो सच ये है, शायद अनुराग जी ने बताया है, इन 2000 के नोट देखने को नहीं मिलता था। आज मैं गया था एक गमी में सुबह सुबह, तो पेट्रोल पंप में मैंने पेट्रोल डलवाया, जब पेट्रोल डलवाया तो पेट्रोल पंप वाला लड़का कहता है कि भैया आज 2000 के नोट आ रहे हैं पेट्रोल पंप में। तो ये अगर सरकार देश में जो शासन कर रही है, जनता के समर्थन से शासन कर रही है जी, और इन संस्थाओं का निर्णय कैबिनेट नहीं करती, धर्मेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे, बैंक जब आरबीआई ने जनहित पर कोई फैसला लिया है तो आखिर कांग्रेस को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है जी? आप तिवारी जी को शांत करा दे तब मैं अपनी बात रखूं। नहीं, आप कुछ पूछ रहे थे क्या मुझसे? नहीं, मुझे पूरा करना।
नहीं नहीं शंकर जी, मैं धर्मेंद्र जी से बात कर सवाल कर रही थी। अच्छा ठीक है जी जी, जी धर्मेंद्र जी बात रखिए अपने आप। मृता जी, भारत के इतिहास में ये पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जो अपनी खुद की योजनाओं को लंबे समय तक नहीं चला पाए, चाहे वो जीएसटी के संशोधन हो आपने देखें, चाहे वो नोटबंदी हो। नोटबंदी जिस समय की गई 2016 में आपने सुना था काले धन पर बहुत बड़ा प्रहार है, सर्जिकल स्ट्राइक है, 15-15 लाख रुपए गरीबों के खाते में आ जाएंगे और आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हमने देखा गुजरात में एक व्यापारी के 700 करोड़ रुपए पकड़े गए जी। अब वो व्यापारी कहाँ है आज तक उसका पता नहीं चला। दूसरी चीज, आज फिर से 2000 के नोट को बंद कर दिया। अब अमृता जी आप मुझे बताओ, यहाँ एक अच्छे अर्थशास्त्री बैठे हैं, वो भी मुझे बताएं जी, वर्ल्ड के कौन से देश में ऐसा किया गया होगा कि 1000 और 500 का नोट बंद कर दिया जाए और उसी समय 2000 का नोट चालू कर दिया जाए और ये कहा जाए कि हम भ्रष्टाचार को कम कर देंगे, काले धन को कम कर देंगे। बड़ी करेंसी जब आप ला रहे हो तो स्वाभाविक तौर पर उससे भ्रष्टाचार और काला धन बढ़ेगा। तो इतने सालों में इन्होंने अपने भाजपा के मित्रों को भ्रष्टाचार को काले धन को बढ़ाया है और आज ये वापस से 2000 के नोट को बंद कर उन बैंकों में पैसा फिर से सर्कुलेशन में आ जाए उसे डालने की प्रक्रिया के तहत ये फैसला किया गया। उसका कारण एकमात्र ये है कि अपने मित्र अडानी की जो जेब खाली हो गई है, बैंकों में फिर से पैसा आ जाएगा और उस पैसे से हम उसकी जेब कैसे भर पाएंगे, उस पॉलिसी के लिए किया गया, क्योंकि इनको पता है कि अडानी। चलिए धर्मेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि 2016 में जो फैसला लिया गया था वो जनहित का नहीं था, बावजूद इसके जनता ने तो भरपूर वोट दिए थे भाजपा को। अमृता जी आप मेरी बात कंप्लीट हो जानती, ये जनता चुनाव जीतना अलग विषय है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास और भारतीय पार्टी के जनता से कोई सरोकार नहीं है। इनका केवल और केवल अपने मित्रों की जेब भरने का उद्देश्य है। अडानी जो कंगाली की उस पर खड़ा हुआ है उसकी मदद कैसे की जाए, ये इनकी सोच है। 20,000 करोड़ रुपए वो बेनामी किसके हैं ये आज तक नहीं बता रहे। एक जेपीसी गठन की मांग को लेकर इन्होंने देश के नेता कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी। मैं तो ये कह रहा हूं, इन्होंने जब बोला था कि हम नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं कि इससे काला धन और भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, तो आपने देखा इससे पहले कर्नाटक में इनके भाजपा के विधायक के बेटे के पास करोड़ों रुपए के नोटों के बंडल मिले, 2000 के नोट मिले। तो सबसे ज्यादा भाजपा के नेताओं के पास 2000 के नोटों के बंडल मिल रहे हैं, ये भ्रष्टाचार से। आपको क्यों तकलीफ हो रही भैया, हमारे जाएंगे, आपको क्यों कष्ट हो रहा है, भाजपा वालों के जाएंगे ना, ये जलन आपके सीने में क्यों हो रही है। अगर जनहित पर फैसला लिया है तो इससे तो नुकसान भाजपा को भी होगा, फिर भाजपा के नेता भी शिकंजे में आएंगे। तो ये फैसला तो सभी के लिए, किसी एक पार्टी के लिए तो नहीं है ये फैसला। 2000 के नोट है तो फिर तो आपको ताली बजाना चाहिए हर मित्र। बोल लीजिए आप, मैं आपके बीच में नहीं बोला लेकिन आप बोल लीजिए। नहीं मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आपने बिना किसी कारण के आरोप लगाने शुरू कर दिए, 1-2-3 हवा में बोल रहे हैं। तो मैंने टोका है कि यदि भाजपा वालों के पास 2000 के नोट है तो सीने में जलन आपके क्यों, ये चोर की दाढ़ी के तिनका वाला मामला है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, करिए शौक से। मेरा निवेदन ये है, 2016 में आपने 1000 और 500 के नोट बंद किए और 2000 का नोट लाए, तो क्या उससे काला धन और भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा? बड़ी नोट जब आते हैं, जब बड़ी करेंसी आप मार्केट में लाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर काला धन और भ्रष्टाचार बढ़ता है। तब आपने ये सोचा क्यों नहीं कि इससे देश में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, काला धन बढ़ेगा? मेरा यही कहना है कि आपके प्रधानमंत्री और आपकी सरकार की सोच जनता के हित की नहीं है, क्योंकि उन्हें जनता से कोई लेना देना ही नहीं है, उन्हें अपनी तिजोरी और अपने मित्रों की तिजोरी भरना है। उसके लिए भले ही देश की संपत्ति का नुकसान हो, उसकी परवाह उनको नहीं है। आज आपने नोटों को फिर से चलन के बाहर कर दिया तो इसका जो नुकसान होगा छपाई से लेके और देश का एक बहुत बड़ा पैसा इन सब चीजों में जाता है, उसका कौन जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भाजपा के नेता ये बताए ना कि या जनता के बीच में आकर माफी मांगकर बोले क्या साहब हमसे जो फैसला उस समय हुआ था 2000 का नोट हमने चालू किया था वो हमारा गलत फैसला था। लेकिन धर्मेंद्र जी 2018-19 से छपना बंद हो गए थे नोट, तो
मैडम 2018 में आप कह रही हैं कि छपना बंद हो गए थे, मैं उसी बात को तो और नोटबंदी की आप बात करें, नोटबंदी तो सदियों से चल रही है। 1946 में भी नोटबंदी की थी, 1978 में भी नोटबंदी की गई थी देशहित के लिए। आप मुझे बताइए आज से कितने साल पहले नोटबंदी हुई थी, आपको जानकारी है? बताओ। 1978 में हुई थी, उसके बाद 2016 में हुई थी। 50 साल पहले। नोटबंदी कोई ऐसा काम नहीं है कि आप हर 5 साल में कर दें। देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बड़े अर्थशास्त्रियों की सलाह से इतना कठोर कदम लिया जाता है। मैं वही तो कह रहा हूं, आपने ये भी कहा कि छापना बंद कर दिए, तो आप जनता में के बीच में आकर स्वीकार करिए ना कि हमारा फैसला गलत था, हमने 2000 का नोट गलत चालू किया था। और जनता को जवाब दीजिए भैया की। बोलो भैया। मैं भैया की गलत फहमी दूर कर जी। पढ़ने में कई बार रह जाता है, सौटो काम रहते हैं, मुझे भी उन्हें भी सब। एक बात और आई है समाचार पत्र में, प्लीज पढ़ लेना, मैं झूठ बोलने का मुझे कुछ फायदा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो नोट आप बार बार कह रहे हो ये छापे क्यों, छापे क्यों, जब नोटबंदी पिछली वाली हुई जो नोटबंदी थी, ये तो सिर्फ सीरियल से बाहर कर रहे हैं 2000 के नोट को। और इस नाते सुनिए, 500 के, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, 500 के 100 के नोट छापना इतनी जल्दी संभव नहीं था। और दूसरी बात, ये सारे निर्णय मैंने पहले आपसे कहा कि बीजेपी के नेता नहीं करते, ये निर्णय रिजर्व बैंक में जैसा। और जब सही निर्णय होता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने डंका बजा दिया, प्रधानमंत्री जी ने देश बहुत बड़ा फैसला ले लिया। कोई गलत निर्णय नहीं, वो 2000 के नोट इतनी जल्दी छप नहीं सकते थे, ये कारण बताया रिजर्व बैंक ने। और जैसा आप अभी कह रहे थे, आदेश दे रहे थे, आप विपक्ष हैं, आपका आदेश सुनना चाहिए। आप कह रहे थे कि भैया वो छपना बंद हो गए थे तो माफी मांगे आकर के। माफी मांगने का सवाल इसलिए नहीं है, उस समय वो छापे नहीं जा सकते थे तत्काल में। और जो आप कह रहे थे कि किसी देश में 1000 के नोट बंद हुए हैं क्या, किसी देश में 2000 के नोट बंद हुए हैं क्या, सुनो यार, चलिए फैसला सही है या गलत अनुराग जी समझ लेते हैं। चलिए, जिस तरह से लगातार आरोप लगा रहे हैं आप धर्मेंद्र जी कि सरकार ने गलत फैसला लिया था, अनुराग जी आपसे सवाल करती हूँ मैं, इस बार जो फैसला लिया गया है वो सरकार, ये सही फैसला लिया गया है आरबीआई की तरफ से या गलत? परेशानी बनेगी जनता के लिए फिर से या नहीं? नहीं, कोई परेशानी जनता के लिए नहीं बनेगी। शंकरलाल जी, मैं अनुराग जी से सवाल कर रही हूँ, माफियों अपराधियों नकली, शंकरलाल जी उन्हें भी मौका दीजिए बोलने का, काला धन लेके बैठे उनके लिए। शंकरलाल जी दूसरों को भी मौका दीजिए बोलने का, आपसे मेरी दरख्वास्त है काले धन को खत्म करने के लिए। ये कोई बहाना नहीं है कि नोटबंदी की तो काला धन नहीं निकला। अरे भैया नहीं निकला, जितना निकला उतना निकला, तो क्या दोबारा प्रयास नहीं होंगे क्या? अमेरिका में $100 का सिक्का चल रहा। शंकरलाल जी दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए, नहीं कर रहे 1400 का बंद नहीं कर रहे। शंकरलाल जी मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, दूसरों को भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए जी। बोलिए अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे है, लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं जनता के हित का फैसला नहीं है ये, तो आप ही बता दीजिए कि इस बार जो फैसला लिया गया है वो जनता के हित के लिए है या नहीं? पहले का फैसला जनता के हित में था या ये? चलिए दोनों फैसलों की बात कर रही हूँ मैं आपसे अनुराग जी। देखिए, पिछली बार के और इस बार के कदम में कुछ मूलभूत फर्क है। आप देखेंगे पिछली बार जो इस चीज का घोषणा हुई थी, अनाउंसमेंट भी हुआ था, वो राजनीतिक स्तर पे एक एग्जीक्यूटिव के माध्यम से हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी। इस बार का अगर आप स्टेप देखेंगे तो ये एक आरबीआई ने सर्कुलर के माध्यम से निकाला है, इसके साथ कोई बहुत कोई पॉलिटिकल या एग्जीक्यूटिव स्टेप्स जुड़े हुए नहीं हैं। तो दोनों को जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है उसमें काफ़ी फर्क है। फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसका जो अमली जो मैकेनिज्म है उसमें भी काफ़ी फर्क है। उसमें मात्र 4 घंटों में एक करेंसी की वैल्यू समाप्त हो गई थी, अभी इसमें सिर्फ बदलने की रिकमेंडेशन दी गई है, इसको लीगल टेंडर रखा गया है। तो जो वजह पिछली बार बताई गई थी, बहुत सारे कारणों का उल्लेख मेरे साथी पैनलिस्ट ने कहा, अब वो उन कारणों को या उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितनी सफलता रही, ये एक डिबेट लंबे समय से रही है, पिछले 6-7 सालों से,
और आगे भी रहेगी, वो उसका आकलन रहा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, उसमें भी कुछ विषय निकल कर आए। तो अभी हम उसका आकलन ना करें, हम ये देखें कि अभी क्या उसके उद्देश्य घोषित किए गए। तो अभी जो रीजंस बताए हैं, जो आरबीआई का अपना मत है, वो बड़ा एक प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सा रीजन दिया है उन्होंने जी, कि भाई ये प्रचलन में नहीं थे, हम लंबे समय से इनको हमने छोड़ा हुआ था। तो कोई बहुत लार्जर पब्लिक ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के उद्देश्य से आरबीआई ये कदम नहीं लाई है, जैसा कि उनका खुद का कहना है। हाँ, हम उसके सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इफेक्ट के माध्यम से सोच सकते हैं कि क्या इसका ब्लैक मनी पे असर पड़ेगा, क्या इसका इकोनॉमिक गतिविधियों पे असर पड़ेगा। हाँ, वो उस पर विचार किया जा सकता है। तो जैसा मैं पहले कह रहा था, समय की कमी है, जल्दी अपनी बात रखिए। अनुराग जी बड़े विशेषज्ञ हैं, उनसे जानना चाहता हूँ, ये भाजपा के नेता जिस समय 2000 का नोट लाए थे, ये कह रहे थे उसमें सेंसर चिप लगी है, वो चिप से सैटेलाइट के माध्यम से पता लग जाएगा किसके पास रखे हुए हैं नोट। तो ये पता आप ऐसे ही लगा लेते हो, उनकी चिप कहाँ चली गई, वो सेंसर चिप कहाँ है, उससे भी तो ये पता लगा सकते थे ये नोट किसके पास रखे थे 2000 के। धर्मेंद्र, जहां तक मेरी जानकारी है ऐसी कोई चिप नहीं पाई गई थी। ये भाजपा के नेता बताया, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो कौन सी चिप थी, सेंसर चिप, जो उस समय नोटबंदी के समय 2000 के नोट में आपने लगाया। चलिए, फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी और इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। तो देखिए किस तरह से अब चुनावी साल है और नोटबंदी के बदले जिस तरह से नोट बदली, इस बार आरबीआई ने फैसला लिया है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। 2016 की अगर हम बात करें तो नोटबंदी सरकार ने जब एकदम से बैन किए थे 500,000 के नोट, उसे लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ था, विपक्ष इस मुद्दे को काफी भुना था, लेकिन आखिर में बीजेपी बहुमत के साथ एक बार फिर लौटी थी और एक बार फिर अब चुनाव से ठीक पहले नोट बदली का फैसला आरबीआई की ओर से लिया गया है और विपक्ष लगातार अब सरकार पर आक्रामक है। अब देखने वाली बात होगी कि अब इस मुद्दे को चुनावी साल में विपक्ष किस तरह भुनाएगी और इसके क्या नफा नुकसान है, वो तो आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।